प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार वृद्धों के उत्थान और उनके सम्मान के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, लेकिन वास्तव में ये योजनाएं बेहद कम लोगों तक ही पहुंच पा रही है, जिसकी पोल सोलन में वृद्ध महिला के आंखों के आंसू खोल रहे हैं। वृद्ध महिला के आंखों से निकलते अश्रुधार चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्हें सरकार की मदद की आवश्यकता है, उन्हें मदद चाहिए। वृद्ध महिला के दो बेटे और एक बेटी है, पति का पहले ही देहांत हो चुका है, बेटे की कुछ समय पहले हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है, दूसरा बेटा अपनी माँ के साथ बेहद कम रहता है, वो भी बेरोजगार है। वहीं बेटी ऐसे में अपनी माता को सर छुपाने की जगह दे रही है, लेकिन बेटी की भी माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए वृद्ध महिला लाचार है और सरकार से सहायता के लिए कई बार पेंशन लगाने के लिए कार्यालय के चक्कर काट चुकी है, लेकिन उसका कार्य नहीं हो रहा है। उन्हें जन्म प्रमाण पत्र लाने को कहा गया, वृद्ध महिला चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे में वह बाहरी राज्य जाकर कैसे प्रमाण पत्र ला सकती है। महिला ने रोते हुए बताया कि वे चाहती है कि उसे वृद्धा पेंशन लगे या विधवा पेंशन, लेकिन पिछले काफी वर्षों से उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वे चलने फिरने में लाचार हैं और उनके पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, लेकिन वे बेहद मजबूर और लाचार हैं, कई गंभीर बीमारियों से घिरी हुई हैं। वे ना इलाज करवा पा रही हैं और ना ही अपना पेट पाल पा रही हैं, इसलिए वे सरकार से मदद चाहती हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी उन्हें हर बार टाल रहे हैं, वे अब चारों तरफ से उम्मीद खो चुकी हैं। उन्हें लगता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल अपने चहेतों को दिया जा रहा है, जो पात्र और जरूरतमंद है उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बेटा, मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी पता नहीं कितनी औरतें इतने या बुजुर्ग कितने हैं जिनको कोई सहूलियत नहीं। प्रधानमंत्री हमारा देश का क्या कर रहा है हमारे लिए? जीरो का कांट खिलाओ, वो भी खिलाया, वो भी खाली पड़ा। एक बार 500 रुपये जरूर डालना था उसने। 500 रुपये से बताओ जी जिंदगी काटती है। कुछ तो कर रहे हमारे गरीबों के लिए। जैसे मेरा लड़का चले गया, उसके बगैर मेरे को कोई नहीं है पूछने वाला। जी पता नहीं भगवान जाने। मैं दो बार दफ्तर में भी गई, एक बार फार्म लेने, एक बार फार्म फूर करा के कागज सारे इकट्ठे करा के ले गई। बोलती नहीं जी, आप अपनी जहाँ पैदा हुए तो वहाँ से जन्म पत्री लेके आओ। अब मैं वहाँ शहर पर कैसे जा सकती हूँ बताओ। करी थी मैं कह जी मेरी पेंशन लवा दो, तो भी कह रहे कहती अब कमेटी में जाके आना। उन्होंने भी कागज वापस कर दिया, आधार कार्ड भी दिया, फोटो स्टेट राशन कार्ड भी दिया, सब कुछ दिया। उनको भी मैंने यही बात बताई थी, भाई जी मेरा जन्म पत्री कहाँ से लाऊंगा अपना। उन्होंने भी दे दिया वापस। क्या जी, इस टाइम जौना जी रोड पर रहती हूँ, कंबल मेहरा करके मेरा नाम है, सारे कागजों मेरा कमल मेहरा ही नाम है। लोगों के सामने मुझे बोलते भी शर्म आ रही। करती हूँ जैसे मेरे जैसे, मैं ये नहीं कहती मेरे कोई, मेरे जैसे जितने भी दुखी लोग उनकी सुनाई करी जाए, उनके लिए कुछ किया जाए, उनको कुछ अकाउंट भी डाल दो। अब जैसे मैं दवाई को नहीं, पैसा मेरे पास कड़े को नहीं, कुछ नहीं। 10 रोगी मेरे को बीमारियां लगी हुई है, शुगर मेरे को, घुटने की दर्द मेरे को,